गुरुवार को वाड़ी एमआरडीसी से क्षेत्र में भारी यातायात जाम के बारे में 17 दिसंबर को डीसीपी सारंग अवार्ड ने विभिन्न परिवहन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एमआरडीसी क्षेत्र के एमआई हाउस में ट्रांसपोर्टरों व्यापारियों की बैठक बुलाई थी। डीसीपी अवार्ड ने गवाही दी कि बैठक के दौरान ट्रांसपोर्टरों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे लगातार ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था और नो एंट्री के मुद्दे को हल करूंगा। महाराष्ट्र वाहतूक सेना के राकेश अग्रवाल ने खंडगांव रोड पर गोदाम के कारण हुई यातायात भीड़ पर अपने विचार व्यक्त किए। परिवहन पेशेवरों के लिए नो एंट्री के मुद्दे पर चर्चा की गई। वाहतूक पुलिस विभाग कर्मचारी द्वारा चालान करते वक्त सावधानी बरते, ऐसा नरेंद्र मिश्रा इन्होंने बताया। डीसीपी ने स्कूली बच्चों और महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि वे ट्रैफिक से परेशान ना हो, ऐसा भी कहा है। इस दौरान एमआरडीसी पीआई राजेंद्र पाठक, महेंद्र शर्मा, नरेंद्र मिश्रा, सुशील शर्मा, राजेश जायसवाल, केशव बांद्रे, स्वामी प्रसाद सूद, फैजान खान व अन्य ट्रांसपोर्टर उद्योजक व प्रमुखता से उपस्थित थे। साथ ही इन प्रमुख समस्याओं पर विशेष चर्चा पुलिस आयुक्त नागपुर शहर इनके पास करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। एमआई की तरफ से, इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से और वहाँ यहाँ के वाहतूकदार संगठन, क्रेन के ऑपरेटर्स और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक संयुक्त तरीके से बैठक हुई थी। उसमें कुछ एमआईडीसी के इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के इश्यूज, ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज और क्रेन ऑपरेटर्स के इश्यूज डिस्कस किए गए। कुछ चीज़ों पे ठोस बातें हुई, उसके ऊपर फाइनल निर्णय होने के लिए मंगलवार को सुबह माननीय पुलिस आयुक्त साहब के साथ में बैठक भी है। उसमें काफ़ी सारे बातें का हल निकलेगा। कुछ चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं उसमें एंट्री के टाइमिंग्स के बारे में बात हुई हेवी व्हीकल्स के लिए, जिसकी वजह से एमआईडीसी को कुछ नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर भी हम सकारात्मक बात करेंगे। एनबीसी न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।